आत्रा साहब ये बताइए, जो जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट किया गया, जो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी की भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है, आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। इतना ये आरएसएस फोबिया कांग्रेस को है क्यों? इतनी समस्या आरएसएस से क्यों होने लगी? और मान के चलिए कि किसी भी तरीके का एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर भाषणों से आरएसएस का, तो वो उनकी दिक्कत है ना, वो उनके अपने साथी हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, वो विचारधारा के तौर पर मेल खाते हैं। तो आपको कौन सी बू आने लगती है कांग्रेस को इतनी समस्या के साथ आरएसएस को लेकर? सर देखिए, आरएसएस का नाम आते ही इस देश के तमाम नागरिकों के मन में कहीं ना कहीं संशय और शंका के बादल उत्पन्न हो जाते हैं। ये वही आरएसएस है जिनका इतिहास इस देश में अच्छा नहीं रहा। ये वही आरएसएस है जो इस आज की डेट में इनके आरएसएस के वर्कर्स जो है देश में देशभक्त होने का सर्टिफिकेट तो बांटते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जवाब देते कि हमारे देश का तिरंगा 52 सालों तक इनके आरएसएस मुख्यालय में क्यों नहीं फहराया गया, क्यों इन्होंने उससे परहेज रखा, क्या वजह थी कि आज अपने देश के तिरंगे को ये लोग अपना नहीं सके पिछले 50 सालों में। और उसके बाद जब कांग्रेस ने जब आवाज उठाई तो जाकर के मजबूरी में लगाया। ये वही आरएसएस है कि जिनके नेता इनके पूर्वज जो है नाथूराम गोडसे रहे हैं, और नाथूराम गोडसे का क्या कृतित्व रहा है इस देश में, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ रहा है, सीधे तौर पे उन्होंने हत्यारे रहे हैं उनके, इस तरह की सोच के लोग आरएसएस के रहे हैं। आज भी तमाम तरह के जितने भी जो दंगे की कहीं बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जब हिंदू मुसलमानों के दंगे की बात आती है तो एक्सट्रीमिस्ट में बात जब की जाती है तो एक तरफ मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, दूसरी तरफ ये आता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले लोग इसमें दंगों में शामिल पाए गए हैं, उनका तमाम तरह के इसमें लिंक्स निकल करके सामने आते हैं। तो आरएसएस को आते कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में एक नेगेटिव सोच आती है कि आरएसएस का मतलब ये है कि इस देश में नफरत फैलाना। अच्छा, तो इसीलिए आपको आरएसएस की बू आने लगती है, इसीलिए आपको आरएसएस की बू आने लगती है। धनंजय गिरी जी, कौन से लिंक्स हैं भाई जो कहीं कहीं तक पहुंचते हैं और कहीं कहीं तक पहुंचते ही नहीं है आरएसएस से जुड़े हुए? पूर्णिमा जी, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द डॉन ने लिखा था कि अगर असंघ का निर्माण 10 वर्ष पहले हो जाता तो हमें पाकिस्तान कभी नहीं मिलता, और अगर संघ का निर्माण 10 साल बाद होता तो हम आधा हिंदुस्तान ले लेते। ये कांग्रेस के कुकृत्यों से सारे लोग वाकिफ हैं, और कांग्रेस के कुकृत्य इस तरह के हैं कि नाथूराम गोडसे एक सरफिरे ने जो महात्मा गांधी की हत्या की, कमर में गीता और मुख में राम रखने वाले बापू को, हालांकि कांग्रेस ने उनके विचारों की भी हत्या की, जिस राम राज्य की बापू कल्पना करते थे उनको काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस आज कोरे कल्पना वाले जवाब दे रही है, कह रही है कि नाथूराम गोडसे संघ के थे, जबकि ये देश में प्रतिबंध लगा संघ पर इसीलिए, और सरदार पटेल ने इस प्रतिबंध को हटाया और एक लंबी जांच के बाद। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस झूठी बोलेगी, कुत्सित कार्य करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस लगातार, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि एलन ऑक्टोबियो हुम के स्थापित कांग्रेस, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप विदेशी धरती से उपजे हुए लोग हैं, और इसी कारण से आप कांग्रेस पार्टी एक परिवार से चलती रही और भारतीय जनता पार्टी एक विचार से चलती रही। परिवार से चलने का नतीजा यह हुआ कि 5 पीढ़ियों से जो इस देश नहीं, के तो उस विचार में आरएसएस का विचार शामिल है ना धनंजय जी, उसी विचार से तो समस्या है इनको। हमें गर्व है कि हम आरएसएस की विचारधारा से आते हैं। राष्ट्र के अहर्निश सेवा में प्राणों की वर्तिका बनाकर लक्ष्य कोटि कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित तन समर्पित मन समर्पित और ही आजीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दू, इदम राष्ट्रा इदम न मम, हमें गर्व है इस बात का, हमें गर्व है कि तम नमस्ते सदावत सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो, हमें गर्व है इस भूमि का, हम इस मातृभूमि के गर्व के लिए प्राण देते हैं। और वीर सावरकर की बात कर रहे थे, सावरकर ने क्या कहा कि चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं ये हूं इसलिए मैं वो हूं, अदरवाइज मैं तो विश्व मानव हूं, आप कह रहे हैं कि मैं फलाना हूं तो इसलिए आप रिकॉग्निशन के लिए आप मुझे ढिमकाना कर सकते, अदरवाइज मैं तो विश्व मानव हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हम कहते हैं, लगातार कहते हैं कि एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, लेकिन कहो रहीम कैसे हो केरबेर के संग, हम तो लिप्टन चाहत है और तुम फाड़त हो अंग, आप कह रहे हैं कि एक ही संविधान चाहिए एक ही कानून चाहिए, और जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक मजबूर महिला साहबानों को कहा कि इसको भत्ता मिलना चाहिए इसके पति से, तब आपने पूरी संसद को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंचेस को पलट दिया, और कितना तुष्टीकरण करेंगे, और कितना तुष्टीकरण, आपने साहबानों का नाम तो लिया, आपने बिल्किस बानो का नाम क्यों नहीं लिया भाई, ये तो बता दीजिए, बिल्किस बानो भी तो भारत की महिला है, बिल्किस बानो के लिए इतना
बिल्किस बानो के बलात्कारियों के लिए सुन लीजिए, आप ही के लोग जाके उनके गलों में माला डालते हैं, माला डालते हैं बिल्किस बानो के बारे में। जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो आपको भारत की सारी महिला ने आपको हमेशा से पांव पर रखे रखा, आपको साहब आपको राजनीतिक गिरे से बाहर कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके काम में तार में आई थी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके समय में आई थी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो आपकी स्थिति थी वो किसके कारण काल में थी? कांग्रेस ने हमेशा बार बार जो आप आरएसएस का नाम ले रहे थे, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भारत की आजादी में आरएसएस का अहम रोल क्या है वो बता दीजिए। और दूसरे ओपनिंग रिमार्क्स में जो मैं देख रहा था, मुल्क के वजीर आजम कह रहे थे कि भारत के टुकड़े होने की मुझे बू आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि भारत अब भी सुरक्षित हाथों में नहीं है, तभी तो टुकड़े होने की बू आ रही है। पहले इस बात को बता दीजिए। दो बात मैंने दो क्वेश्चन करे आपसे, दोनों क्वेश्चन के सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है धनंजय जी, क्विक रखिएगा, आतरा साहब के पास भी जाना है मुझे। देखिए जानकारी का अभाव कितनी बड़ी समस्या पैदा करता है। इनकी सारी बातें कंट्राडिक्टरी है, इनको पता ही नहीं है कि आजादी की लड़ाई में जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेड़ेवार थे, एक साल के लिए जेल गए थे और जेल में उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया था, जेल गए थे, वो भी कांग्रेस के थे। हाजी नाजिम, आप मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी दे दे, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी तरह कोई घूमता फिरता नहीं हूँ कि कहीं से आकर कहीं का रोड़ा भगवती ने कुंडा जोड़ा। मैं जो भी बात करता हूँ उस तथ्य के आधार पर कहता हूँ, इसलिए मुझसे कोई फालतू बात करने के पहले सोच लीजिएगा कि मेरे पास सबके प्रमाण होते तभी मैं बोलता हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो कह रहे थे, इस देश में अलगाववादी ताकतें जो अपना फन बढ़ा रही थी, जो धारा 370 करके स्पेशल स्टेटस बढ़ा रही थी, जो दो झंडा दो विधान दो संविधान चला रहे थे, उसको हमने खत्म किया है। और हम लोगों ने शुरू से कहा है, जो कहा है वो किया है कि कम समय मुझे बचा है। आत्रे जी जल्दी से आपका जवाब लूंगी और कोशिश करिएगा, थोड़ा समय मिल जाएगा तो विपिन जी से और राणा जी से एक क्लोजिंग कॉमेंट ले पाऊंगी। शहीद हुआ हूँ मैं, बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूंगा, जरा इनको शांत करा दीजिए। अभी इन्होंने बहुत बड़ा महिमा मंडल नाथुराम गोडसे का किया था, इफ्तार का समय हो गया है तो ऑन एयर ही वो जी हाँ इफ्तार कर रहे हैं, बोलिएगा अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुन लीजिए मेरी बात। आरएसएस का एक मुख पत्र है, पत्रिका आती है जो अब भी प्रदर्शित हो रही है, और उसकी मैं एक आपको एक उसमें छपी हुई एक कार्टून की एक तस्वीर दिखा देता हूँ, जिसमें अग्रणी नाम से इनकी एक मैगजीन आती है, आज भी आती है, और आप इंटरनेट मीडिया का जमाना है, मैं क्योंकि कभी भी कोई गलत तथ्य नहीं पेश करता हूँ। एक कार्टून है जो नाथुराम गोडसे के द्वारा बनाया गया है, मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा जूम करके दिखा सके। इस कार्टून में नाथुराम गोडसे के साथ इनके दामोदर सावरकर जी भी हैं, जो एक धनुष बाण लिए हुए हैं और एक रावण रूपी 10 मुख वाले रावण रूपी दिखाया हुआ है महात्मा गांधी जी को, और उनको तीर से जो है मारने की चेष्टा कर रहे हैं। सन 1948 में ये छपा है आरएसएस के मुखपत्र अग्रणी में, इसमें एक चेहरा गांधी जी का और पूरा शरीर गांधी जी का दिखाया हुआ है। इसमें हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी हैं नेताजी, इसमें सरदार पटेल जी हैं, इसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी समेत तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन 10 महानुभावों को दिखाया गया है, और नाथुराम गोडसे सावरकर जी के साथ मिलकर के जो है। ठीक है सर, आपने सब आपका पॉइंट ले लिया, राणा जी इसका जवाब दीजिएगा, और साथ ही ये भी 1942 को लेकर जो आरोप लगते हैं, विपिन जी आ रहे हो आपके पास, इसी पर जवाब लूंगी। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध किया गया, न सिर्फ महात्मा गांधी का, सोच है आरएसएस की जो उस समय से चल रही थी, जो आज भी यही सोच चल रही है इस देश में, आरएसएस की सोच, हम इसी सोच के खिलाफ आजादी की बात है, वो एक पत्र में छापा जा सकता है। लेकिन ये बताइए क्यों आरएसएस से ना कोई गोडसे जी का मतलब था, ना गोडसे जी इसमें थे, वो भाई किसी और संस्था से जुड़े हुए थे, एक विचारधारा की लड़ाई थी जिसमें गांधी जी की और महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। ये बता दीजिए आरएसएस इतनी बुरी है, अरे आत्रे जी इतनी बुरी है तो 1963 में रिपब्लिक डे परेड में नेहरू जी ने उनको क्यों आमंत्रित किया था? 1962 के चाइना वॉर में सबसे ज्यादा योगदान आरएसएस का है। समस्या क्या है कि आपको आरएसएस इसलिए समस्या होती है कि आरएसएस कहीं ना कहीं इस देश
देश की बात करता है, हिंदू जागरण की बात करता है। हिंदू जागरण में हिंदू धर्म से नहीं कर रहा हूं, हिंदू जागरण हिंदू संस्कृति से चर्चा कर रहा हूं, उससे आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। जहां तक बात हो रही थी कि भाई इस मुख्य मुद्दे पे आते हैं, जो नाजिम साहब ने कहा, देखिए ऐसा है कि नाजिम साहब को समझना पड़ेगा कि इनको, इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं बताया, समाजवादी पार्टी में बताइए मुसलमानों का क्या हाल है। आप आजम खान को देख लीजिए किस तरह उनको सड़ा दिया गया जेलों में, नंबर वन। नंबर टू, कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए किस मुस्लिम नेता का बड़ा वर्नर हो गया या बड़ा बना दिया गया। जिस आजाद साहब की आप चर्चा कर रहे, देखिए मैं किसी भी व्यक्ति की हमेशा सम्मान करता हूं, उस आजाद साहब कहां से पढ़ के आए थे आपको पता है? वो कहां से आए थे आपको पता है? इतिहास का अगर ज्ञान ना हो तो बैठ के यहाँ पे ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। इतिहास को सक्षम जी, प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर विभाजन किया देश का, कश्मीर समस्या से लेकर हर एक चीज को दोहराते हुए फिर इस बात का जिक्र किया अपनी रैली में कि मुस्लिम लीग की झलक दिखती है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। देखिए, जो वार पलटवार का जो मौसम चल रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ये अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसका ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसलिए ये मुस्लिम लीग की बात हो रही है, समझने की आवश्यकता है कि जो जनता जनार्दन है वो किस आधार के है उनके सामने। जो नेता ज्यादा रैलियां करेगा, रिफॉर्म्स की बात करेगा, रणनीति बढ़िया होगी, रोड मैप अपना साझा करेगा, तो वो बाजी मारेगा। और रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस है, सीधी सी बात है कि अगर हम मोदी सरकार की बात करें, परफॉर्म और परेश, कि यहां पर ये नहीं दे। दिल्ली का आप उदाहरण लीजिए, 6 सीटें 6 उम्मीदवारों के टिकट काटे गए, इसका मतलब है इमोशनल फैक्टर नहीं है, जो काम करेगा उसका चयन होगा। तो ये बातें कांग्रेस को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।